पहले जरा ये क्वेश्चन करके दीजिए, बिल्कुल कल वाली बेंच पे है जो मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है। लिख ली, ये क्वेश्चन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, यू हैव टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं वहां से। वेरी गुड, कैसे देखा, व्हाट इज इक्वेशन, यहाँ पे सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, जो सेटिस्फाई करेगा, कौन सा वेरिएबल, कितने वेरिएबल्स की है, दो वेरिएबल्स, तो सोल्यूशन भी कितने वेरिएबल्स में आता है, तो एक्स का वैल्यू होगा और वाई का वैल्यू, तो इसने किस हिसाब से लिखा है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है जो एक्स में भी है और एंड दैट इज द सोल्यूशन एज वेल, डू यू अंडरस्टैंड। कल मैंने जैसे आपको बोला था, जरा इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, इसी पे, क्योंकि मैं y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट पे आ, ठीक है, पहले ये खत्म कर लेते हैं जितने भी फॉर्म्स हैं, ठीक है। हालांकि आपके जो सिलेबस में है, दैट इज ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस मींस दैट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो दैट व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन, ये सबको पता होना चाहिए, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट, ठीक है, मैं यहां पे भी कर दूंगा वो ग्राफ्स के हिसाब से, ठीक है, तो 2 इन 1 हो जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इधर से देखेंगे सारे। तो आपने बोला x minus 2y is equal to 4, किस फॉर्म में रखे गए इसको, आपने किस फॉर्म में देख रहे हो उसको, अभी आई ही नहीं, मतलब आप इसको फिर यहाँ पे ले सकते थे, and you can simply say, isn't it? आपने कल मैंने बोला, यहाँ पे जिस जो नए बच्चे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का, ax plus is equal to 0, यही था, इसमें खासियत क्या है, a और b क्या होने चाहिए, इंटीजर, ए और बी होने चाहिए इंटीजर्स, इंटीजर वैल्यू, अगर नहीं दिया है तो उनको इंटीजर बनाओ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको, ए नॉट इक्वल टू 0, अगर बी, ए या बी दोनों में से एक 0 हो भी गया, स्टिल इट इज अ लीनियर इक्वेशन, बट इसका एक वेरिएबल कम हो जाएगा, अगर दोनों 0 हो गए तो ये लीनियर इक्वेशन रही ही नहीं, इसमें वेरिएबल रहा ही नहीं, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट, ठीक है, यही बताया था मैंने कल। अच्छा, इससे पहले मैंने एक चीज आपको बताया था, मैंने आपको बताया था अगर आपकी लीनियर इक्वेशन होगी इन वन वेरिएबल, किसमें, कोई उसका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन तो सारे है, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल ग्राफ बनेगा, यानी किसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगी, मगर किसके पैरेलल, या तो एक्स के, या तो एक्स के कब बनेगा पैरेलल, x के तब पैरेलल बनेगा क्योंकि x जब इंडिपेंडेंट ऑफ y होगा, यानी x जब कांस्टेंट होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का आंसर हमेशा एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इजंट इट, जैसे आपने कल लिया था, मैंने आपको बोला सर फॉर एग्जांपल 3x इज इक्वल टू 1, मैंने लिखा 3x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 / 3, सो दैट इज x इज इक्वल टू 3.3333, इसको बोलते हैं फैक्टरिंग, चल रहा है, आपने लिखा 3.3 बार, लिमिट बार बार छोड़ो 3.3, ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ गया, एक कांस्टेंट वैल्यू, यानी ये कभी चेंज, इसी चीज को मैंने तुम्हें बोला, इसका मतलब ये हो गया, इवन इफ यू हैव द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर वेरिएबल, दैट अदर वेरिएबल विल हैव नो इफेक्ट ऑन एक्स, बिकॉज़ एक्स विल ऑलवेज बी 3.3। मैंने यही चीज तुम्हें बताई, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल लिखना होता, क्या मैं ऐसे लिख सकता था इसको, बस बताने के लिए होगा, या माइनस 10 इज इक्वल टू, ऐसे लिखो या वैसे लिखो, राइट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहां से क्या तुम एक्स और वाई प्लॉट कर सकते हो,
कर सकते हो xy प्लॉट, ठीक है, समझेगा नहीं समझे तो ये, लेकिन आप क्या देख रहे हो, y का वैल्यू अगर कुछ भी हो इट स्टिल इज जीरो, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ y. सो इफ आई विल प्लॉट दिस, अगर मैंने यहाँ पे y लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ठीक है, कुछ बचे नए भी जो आगे थोड़ा सा रिवीजन, स्लाइड बिट ऑफ रिवीजन. अगर मैंने यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, दूसरा ग्राफ बना रहा हूँ जहाँ पे मैं यहाँ से क्या लिख रहा हूँ, y लिख रहा हूँ यहाँ से. जनरली हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं और यहाँ पे हम क्या रखते हैं, डिपेंडेंट. लेकिन अगर चेंज भी करें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इज इट क्लियर ऑर नॉट? तो मैंने बोला सर ये देख लीजिए आपका x का वैल्यू कितना आया है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये यहाँ पे 4 है, तो 3.3 कहीं यहाँ पे होगा, राइट. मान लीजिए y का वैल्यू जब 1 था, 2 था, 3, दिस विल बी -1 -2 -3. तो मैंने क्या बोला था, मैंने आपको बोला इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा, वो एक पैरेलल लाइन होगी, ठीक है, किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल. क्यों? क्योंकि आपका जब वैल्यू 1 है तभी वैल्यू कितना है x का, 3.3. करो प्लॉट. वैल्यू यहां पे होगा कुछ भी वैल्यू 3.3, यहां पे होगा 3.3. आपने जब ग्राफ बनाया तो कितना आ गया, आपने बोला एक पैरेलल लाइन आ गई, किसके पैरेलल आ गई, y एक्सिस के पैरेलल आ गई. डू यू अंडरस्टैंड, y एक्सिस के पैरेलल. अब ये कहां पे काट रही है इस लाइन को, समझ आ रही है बात? मैंने बोला कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखते हैं किसी भी पॉइंट को, पहले x लिखे गए बाद में हमने y बोला, तो मुझे बोलिए जहां पे इसने इसको काटा, कट किया, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3.3 और हमारा y में कितना है, ठीक है. अच्छा ऐसे ही यहां पे कैसे कैसे होगी ये, स्टिल इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, यानी y के कुछ भी वैल्यूज हो x का वैल्यू कितना है हमेशा, यानी कोई भी पॉइंट अगर तुम लोगे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहां पे समझ यहां पे हम ऐसे लिखेंगे, मैं लिखा 0 3.3, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं y पहले x पे, डू यू अंडरस्टैंड, डिपेंडिंग अपॉन मैंने कहां पे रखा, अरे क्या नहीं, ओ सॉरी जीरो नहीं, तो व्हाट दिस विल बी नाउ, क्योंकि यहां पे क्या है मसला, यहां पे क्या है, अरे जो भी यहां पे तुम पॉइंट्स देख रहे हो सारे पॉइंट कहां पे लाई करेंगे, अकल की बात है, यानी वाई का वैल्यू अगर कुछ भी हो एक्स का वैल्यू हमेशा क्या होगा, यू अंडरस्टैंड, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं ये बेसिकली सारे सेम पॉइंट्स. इज इट क्लियर और नॉट, समझेगा नहीं समझे, दिस इज व्हाट शोज यू दैट दिस इज इंडिपेंडेंट. The value is independent. Is be independent. यानि कुछ भी चलो तुम जहाँ पे भी, यहाँ पे देखो value ये, यहाँ पे देखो x का value ये, यहाँ पे देखो x का value ये, यहाँ पे देखो x का value वही, यहाँ पे देखो x का value वही, यानि constant line है. Constant line का मतलब होता है जिसका कोई slope ना हो. Slope का मतलब होता है change, gradient. अगर मुझे पूछा जाए इसका slope क्या है, आप क्या बोलोगे? Slope इसका क्या है? कोई उतार चढ़ाव नहीं, बराबर. वो समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप क्या है? जीरो. स्लोप भी बेसिक चीज है. रुक जाओ, आपने बोला सर आप जब लाइन हम ऐसे बना रहे हैं ना, ये बोलते हैं इसको बोलते हैं स्लोप इंफिनिटी, यानी ऊपर चढ़ रहा है. देखिए ये लाइन आपकी बेसिकली ऊपर नहीं चढ़ रही है, मैं स्लोप देख रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, अंडरस्टूड? हम वहां पे आ जाएंगे, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. तो यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा अब अगर तुम्हारी यही इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y होती तो वैल्यू किसका निकलता? y का कांस्टेंट वैल्यू निकलता, और अगर कांस्टेंट वैल्यू y का निकलता तो उसका जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा. बोलो कहां तक क्लियर हुआ है? कल मैंने बताया. अब यही चीज जो है ये कल का एक छोटा सा रिवीजन था. मैंने बोला यहां से हम क्या करते हैं, आप मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला भी चल रहा है. तो यहाँ पे तुमने क्या देखा था, एक सिचुएशन में तुमने देखा था जो एक पॉइंट 4 और 0 है ये आपका क्या करता है, सैटिस्फाई करता है. बहुत इजी भी है देखना, आपने 4 को किस में डालना है, x में डालना है, और इसको किस में डालेंगे, यानी कि खाली एक सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस, एंड व्हाटएवर बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन दैट विल लाई ऑन द लाइन. नहीं आई बात? दैट विल लाई ऑन, अंडरस्टूड? यहां तक कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है. अच्छा अब जरा इसका ग्राफ जरा बनाते हैं. इसका ग्राफ कैसा दिख रहा है आपको?
कैसे बनाया, मैंने कल बताया था, पहले हम वो बजू के तरीके से बनाया था मैंने, क्योंकि पहले सीखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों को बिल्कुल पता नहीं, ठीक है। कल मैंने तुम लोगों को बोला कहा कि आपने क्या देखा, अगर x माइनस टू वाई किसके बराबर है, चार के बराबर है, यानी इसका मतलब ये होता है, सोल्यूशन का मतलब ये होता है, ये वाला पार्ट किसके बराबर कब होगा, अरे ये वाला पार्ट अगर चार के बराबर होगा तो डिपेंडेंसी ऑफ x पे भी है वो, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, डू यू अंडरस्टैंड। तो डाल दे, मैंने बोला सर जरा हम प्लॉट कर लेते हैं, यहां पे x लिखा, यहां पे y लिखा, ऐसे ही करते थे ना दोनों ग्राफ, तो तीन पॉइंट्स कम से कम बना लो, असली में दो ही की जरूरत है लेकिन आप तीन बना लीजिए, तो तीन का मतलब है हम सिर्फ तीन सॉल्यूशंस दिखा रहे हैं। तो पहला वाला मैंने बोला जरा अगर हमने ये जीरो डाल दिया तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, माइनस माइनस टू आ जाएगा, देखो ये जीरो, ये बन जाएगा जीरो माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर, वाई विल बी इक्वल टू माइनस, यानी तुम्हारा आ गया ये माइनस टू, कुछ भी वैल्यू डाल दो, मैंने वन डाल दिया, अगर ये वन आ जाता ये वन किधर चला जाएगा, इधर, ये क्या बन जाएगा थ्री, हाँ यहां से क्या आ रहा है, तो ये बन जाएगा माइनस वन पॉइंट फाइव, बनेगा ना सर, इट विल बी वन माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर, दिस विल बी माइनस टू वाई इज इक्वल टू थ्री, वाई इज इक्वल टू थ्री बाई टू, दैट इज माइनस वन पॉइंट फाइव, कोई भी और डाल दीजिए पहले, आप टू डाल दीजिए पहले, व्हाट विल बी दिस नाउ माइनस वन, यानी एक एक यूनिट के बाद आप देख रहे हैं कि 0.5 से गिर रहा, हाँ प्लॉट करो। अब आते हैं ग्राफ, यहां से मैंने x रखा, यहां से मैंने y, जो भी क्वेश्चन जिसमें जिस भी टाइप के बनते हैं वो हम सारे देखे थे पहले, सारा सीखे, बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या होगी बाय द ओरिजिन जीरो जीरो का, क्योंकि ना ये वाई में है, ठीक है, तुम्हें समझ आ रहा है, इधर देखो एक्स का वैल्यू क्या है, वही है, जब x का वैल्यू जीरो है y का वैल्यू कितना है, यानी जीरो पे y का वैल्यू माइनस टू, ठीक है, डाल दिया आपने एक पॉइंट, वन पे आपका वैल्यू माइनस, ये वन है, x का वैल्यू वन है, तब कितना वैल्यू है, पढ़ गया, उसके बाद क्या है, x का वैल्यू जब टू है यानी ये Got it? ये है? आपने क्या करना है, आपने बोला सर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ग्राफ पे बराबर बन जाएगा काम नहीं करेगा। अब ये लाइन जो है मैंने ऐसे क्यों एक्सटेंड की, तो क्योंकि सर इनफाइनाइट वैल्यूज पकड़ेगा, यानी मैंने इधर से भी एरो बना दिया, सबसे पहला सवाल तुमसे ये पूछा जा सकता है कि ये कितने क्वाड्रेंट्स में लाई करती थी, इसके सॉल्यूशन कितने क्वाड्रेंट्स में, तीन क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन ये यहां पे कभी नहीं लाई करेगा, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट, दिस कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द एग्जाम, हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स डज दिस लाइन दिस ग्राफ पास। अब देखिए इस लाइन की खासियत एक है कि इसने दो जगह पे एक y एक्सिस को काटा और बोटा नहीं आ रहा, y एक्सिस को भी काटा और x एक्सिस को भी किसी पॉइंट पे काट रही है, नहीं आई बात समझ, अब हमें देखना है कहां पे काट रहा है, जहां पे काटता है उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट पॉइंट, क्या बोलते हैं, अगर x को काट रहा है यहां पे तो इसको बोलेंगे हम x इंटरसेप्ट, क्या बोलेंगे, अब बात आती है हमारी x इंटरसेप्ट की और y इंटरसेप्ट, कैसे फाइंड करोगे x इंटरसेप्ट, कैसे फाइंड करोगे, जब स्लोप में जीरो होगा, एब्सोल्युटली
तो भाई जहां पे ये काटता है इसको, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये x इंटरसेप्ट पॉइंट है। मुझे जरा बोलो ये अगर x इंटरसेप्ट पॉइंट है यहां पे y का वैल्यू क्या होगा? x को जब काटा बिल्कुल x पे लाइक किया y का वैल्यू तो जीरो हो गया ना, तो बताओ मुझे कैसे निकालोगे? तुमने बोला सर हम देखेंगे y का वैल्यू जब जीरो होता है तब x किसके बराबर, नहीं आई बात समझ। तुमने बोला सर इस इक्वेशन को ले लो, यदि x माइनस टू y का वैल्यू कितना रखूंगा किसके बराबर, तो x किसके बराबर आ गया? आपने बोला सर x आ गया 4 के बराबर, यानी जब x का वैल्यू 4 होता तो मैं 4 लेता, ठीक है? जब x का वैल्यू किसके बराबर आएगा 4 के बराबर आएगा तब ये y का वैल्यू किसके बराबर होगा, यानी x को ये बराबर काटती है एट पॉइंट 4 व्हेन x इज इक्वल टू 4, नहीं आई बात क्या समझ है ये मान के? अच्छा इसका मतलब है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्लियर? अब तुम्हें दूसरा क्या चाहिए, यानी x इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पे तुम्हारा y किसके बराबर, एंड यू फाइंड इट आउट। क्लियर हुआ या नहीं तुम्हें? हो रहा है क्लियर? हां तुमने क्या पढ़ा है इससे पहले? से पहले क्या पढ़ोगे, ग्रेजुएशन करोगे या अंडरग्रेड होगे? एलएलबी किया हुआ है, यू आर फ्रॉम अ लॉ बैक। ओके सर कहां से? यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। अरे इधर देखो भाई, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है तुम्हें? समझ आ रहा है? तो मुझे बार बार नहीं बोलेगा कोई बच्चा बाद में बोल सर हम मैं ग्राउंड की नहीं, आई गेट इरिटेटेड। मैंने पहले दिन बोला, क्या बोला मैं? यू आर अलाउड टू आस्क एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, राइट? पहली चीज, एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड कि किसी को पता है किसी को नहीं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे वो हो गए जो जवाब मुझे पहले ही देंगे, मैथ्स पढ़ा होगा। आधे बच्चे जो सबसे बेवकूफी करते हैं वो ये होते हैं जिनको टेंशन हो जाती है इनको ऑलरेडी पता है, लेकिन अब उनकी भी क्या था है ना, उनको लगता है मच ऑलरेडी तैयार, ऐसा कुछ नहीं, वो पहले से आज तैयार है, तुम कल तैयार हो जाओ, इट्स वन एंड द सेम, अंडरस्टूड? द पर्सन हु हैज ऑलरेडी स्टडीड मैथमेटिक्स ऑब्वियसली विल नो मच बेटर देन यू फॉर नाउ, नॉट एट द ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स और एट द एंड ऑफ योर कोर्स। इट इज सच अ थिंग दैट यू कैन ऑल्सो मास्टर इट, they might have already known it, will also master, so there is no difference. Never ever get confused. जैसे तुम लोग अभी मैं तुम लोगों के साथ हिस्ट्री क्लास में फॉर एग्जाम्पल बैठ गया, मुझे कुछ नहीं पता, तुम लोगों को तो मेरे से ज्यादा पता होगी ना, तुम छाप छाप लगाओगे बोलना, मैं जब टेंशन हो जाएगा मुझे। Never ever get derailed by that, okay? यहाँ पे सारे नए से है और ये पहले से है, और मैंने जो कल बोला था यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मैंने पुराने बैच में डाला हुआ, ठीक है? ये नया अप्रेस स्टार्ट हुआ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैं चलाता हूँ रोटेशन में, क्या चलाता हूँ? अभी तुम्हारा मैथ और क्वांट स्टार्ट होगा, इसके बाद रीजनिंग होगा, कुछ बच्चों ने ऑलरेडी रीजनिंग पढ़ी, कुछ बच्चों ने यहाँ क्वांट भी पढ़ा और बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा। इधर देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट क्या होगा, y को कहां पे काटना है भाई? जहां पे y को काट रहा है वो तो जीरो ही है, x का वैल्यू इधर जीरो, इधर x का वैल्यू क्या है, जीरो, राइट? सो व्हाट विल आई से, y इंटरसेप्ट क्या होगा जहां पे x का वैल्यू आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो आप क्या कीजिए, आपने बोला सर ये तो हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला था x, ये सॉरी y, ये क्या निकला, ये था हमारा x, y इंटरसेप्ट किसके बराबर, आपने बोला जब हमारा क्या होगा x किसके बराबर, डालो x का वैल्यू जीरो, तुमने बोला जीरो माइनस टू y इज इक्वल टू फोर, y इज इक्वल टू माइनस टू, पता है ना सबको, यानी एट y इज इक्वल टू माइनस टू यू विल हैव ग्राफ बराबर बन गया, समझे या नहीं समझे? आप इसके कोऑर्डिनेट बोलो, जीरो का understood,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभार तुमने सवाल में दिया होता है एक्स इंटरसेप्ट जो है वो ए पे हुआ है और वाई इंटरसेप्ट जो है वो बी पे हुआ है। यानी अगर एक्स इंटरसेप्ट ए पे हुआ, किस पे हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सब बता रहे हो, ए कॉमा। अगर वाई इंटरसेप्ट बी पे हुआ है, आराम से, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। This was about x intercept and y intercept, ठीक है। आते हैं हम slope intercept form, लेकिन उससे पहले मुझे slope पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाना है, slope, what does slope mean, x axis के साथ कितना angle बनाएंगे, इसको slope, angle को छोड़ो, हम angle में नहीं बात करेंगे, जो है absolutely right, inclination, what does inclination mean, एक ही बात यहाँ पे आधे डर जाएंगे, इंक्लिनेशन वर्ड सुन के फिर सुन के सुनो, स्लोप क्या होता है, आपका बोलते हैं लैंग्वेज में बोलो पहले, स्लोप क्या होता है, उतार चढ़ाव, अगर रास्ता तुम्हारा ऐसा है तुम बोलोगे सर इसका कोई स्लोप, यानी चेंज नहीं हो रहे हो, मैंने बोला सर यहां से देखो सुनना मेरी बात, मैंने टाइम बनाया जहां पे मैंने एनर्जी को प्लॉट किया, क्या किया, सुना आराम, टेंशन नहीं, हाँ बोलो ये कहां से कहां, रुक जाओ, मैंने बोला तुम्हारी एनर्जी ऐसे गिर गई है पढ़ाई की, है ना, इसका स्लोप क्या है, एक स्लोप है, एक स्लोप है, the ratio of the difference of the coordinates, ratio of the difference of the coordinate, what is the coordinate, होगा ना कुछ, क्या मेरा क्वेश्चन सिंपल, मैंने बोला क्या यहाँ पे एक स्लोप है, कितने स्लोप, बहुत सारे स्लोप, सबसे ज्यादा स्लोप किधर, स्लोप अगर आपका सर्कुलर टाइप का है या एक कर्व है तो स्लोप एट अ पॉइंट इज अ टेंजेंट, स्लोप एट अ पॉइंट इज अ टेंजेंट टू दैट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गिरने का हिसाब किताब ऐसा था एनर्जी का, जितना तुम आगे चले यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गए, आगे चले यहाँ पे और कम हो गए, देख रहे हो स्लोप कम हो रहा है, चढ़ाई उतराई जो तुम्हें एरो से भी दिख रहा है, जितना जितना तुम आगे चल रहे हो तुम देख रहे हो स्लोप यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट होने लगा, यहाँ पे दिखा रहा है कि स्लोप जीरो, यानी अब तुम्हारी एनर्जी जो है ऐसी रही नहीं आई बात, मैंने पहले गिर रही काफी तेजी से थी लेकिन ये उसी स्पीड से नहीं गिर रही है, आगे आगे जब चल रहे हो अब तुम्हारे गिरने की स्पीड कम कम हो रही है, यानी यहाँ पे स्लोप अलग अलग ये सेम स्लोप। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उठा के ऐसे बनाया, मैंने टी लिखा, चलो मैंने यहां से लगा टाइम और यहां से क्या लिखा, क्या हो रहा है, स्लोप से स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, जब भी कोई चीज गिर रही हो उसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव स्लोप बोलेंगे। कैसे पता चला, मैंने बोला सर जितना टाइम बढ़ रहा है ना आपका वेलोसिटी, देखो यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू मैक्सिमम जब t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, ओरिजिन यानी रेफरेंस पॉइंट, ऑब्जर्वेटरी पॉइंट जहां से मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, समझे, अदरवाइज टी इक्वल टू जीरो का मतलब कुछ और नहीं होता। अब यहां से जब मैंने देखा वेलोसिटी क्या है, मान लो मैंने बाइक को प्लॉट किया, बाइक की वेलोसिटी को प्लॉट किया, मैंने बोला यहाँ पे मैक्सिमम, आगे चल गया उसके बाद किधर है, यहाँ पे आगे चल रहा हूं अब क्या है, मतलब यहाँ का मतलब हो गया ये वेलोसिटी होगी, यहाँ पे ये वेलोसिटी होगी या नहीं होगी, जितना जितना मैं आगे चल रहा हूँ आप देख रहे हो ये जो पॉइंट्स है ये गिर रही है वेलोसिटी, एक पॉइंट पहुंच गया यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जीरो, यानी कांस्टेंटली लीनियरली गिर रही है, स्लोप सेम नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी स्लोप सेम स्लोप, लेकिन क्या है, अगर ये एक लाइन के तहत गिर रहा है यानी इसका मतलब है गिराव की जो रेट है वो कॉन्स्टेंट है, नहीं आई बात समझ, मान लो मैंने ब्रेक दे दी, क्या दे दी, ब्रेक दे दी, ब्रेक का मतलब क्या होता है, डिसेलरेट करना,
यानी स्पीड करना कम, ठीक है। मानो एक मिनट में 2 मीटर पर सेकंड स्पीड कम हो रही है, क्या हो रही है, एक मिनट में स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकंड, मैं 60 से चल रहा था, एक सेकंड के बाद कितनी होगी स्पीड 58, 2 सेकंड के बाद कितनी होगी 56, 3 सेकंड के बाद कितनी होगी, यानी मैं क्या कर रहा हूं, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, यानी स्लोप कांस्टेंट है। यानी स्लोप का मतलब होता है लेमैन लैंग्वेज में रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, अगर रेट ऑफ चेंज यूनिफॉर्म है यानी हो रही है चेंज, तो तुम क्या बोलोगे, स्लोप कांस्टेंट है, ये स्लोप जो है कांस्टेंट है। अगर मैंने ऐसे बनाया, ये स्लोप कांस्टेंट है, ये बढ़ने का हिसाब किताब है, डू यू अंडरस्टैंड। अच्छा अब यहां पे देखोगे सर, मैंने एक बनाया है, ये मान लो एक्स है, ये क्या है, अपने एक्स पॉइंट पे आ गया, मैं तुम लोगों को तंग नहीं करूं, अभी नहीं करूं, बाद में काफी करूं। ये मैंने बोला ये ग्राफ पर, दूसरा मैंने ऐसे बनाया ये ग्राफ, तीसरा मैंने ऐसे बनाया ये ग्राफ, सब मैंने प्लॉट, ये कार टू है, ये मान लीजिए कार छोड़ो ना यहाँ से एक्स पाई क्या कार, बताओ भाई सबसे स्लोप ज्यादा किसका, टू का ज्यादा है, क्यों है टू का ज्यादा, टू का ज्यादा, देखो कैसे, देखो कैसे, ये है यहाँ पे, ये मान लो जीरो है, ये मान लो ये मैंने थ्री लिखा, ये मैंने यहाँ से भी मान लिखा, 1 2 3, तुमने देखा जब ये जीरो हो सब का वैल्यू क्या है, थ्री का भी वन का भी टू, मैं वन पे चला गया, जब मैं वन पे चला गया यानी x में चेंज की मैंने, x में चेंज होने से y में भी चेंज आ रही है, नहीं आई बात, x में चेंज होने से y में भी चेंज आ रही है, नहीं आ रही है, हाँ अब सुनो, अगर मैं x में गया y कितना है वन के बाद, मैं थोड़ा सा ये यानी यहाँ से यहाँ तक चेंज हो किसके लिए, लेकिन जब तुमने 2-1 के लिए देखा तो कितनी चेंज आ गई, बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा अगर तुम 2 के लिए देखोगे यही, जब यानी जब x में 1 चेंज आती है तो मुझे बोलो 1 के वक्त वैल्यू ऑफ y कितना है, बताओ क्लियर हुआ या नहीं, ये चेंज जो है ना इसी चेंज को हम लिखते हैं डेल्टा y, क्या लिखते हैं डेल्टा y। अब खुद बताओ स्लोप ज्यादा किसका होगा, जिसने सबसे ज्यादा चेंज दिखाई, कोई एक ही दिन में बदलता है हम क्या बोलते हैं उसको, बदलो दोस्ती में, यानी उसका बदलने का स्लोप होगा, डू यू अंडरस्टैंड, यानी एक मामूली से एक दिन में उसने अपनी नबियत ही बदल दी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, सेम इज द केस है यहां पे, चेंज किस में हमने देखी, यानी जब जितना डेल्टा एक्स में चेंज आ गया, ठीक है, जितना वो डेल्टा वाई में ज्यादा चेंज दिखाएगा उतना स्लोप ज्यादा होगा, यही नाम है। तो हमने यही से दिमाग में क्या किया, हमने बोला सर बेसिकली स्लोप कुछ नहीं है, स्लोप इज रेशियो ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, जब एक्स चेंज हुआ वाई में कितनी चेंज आई, जिसने ज्यादा चेंज दिखाई उसका स्लोप उतना, अब या तो बढ़ने का होगा या तो घटने का होगा, बढ़ना मतलब पॉजिटिव स्लोप, घटना मतलब नेगेटिव स्लोप, ये नाम समझ गॉट इट रियली ओके। अब एक और चीज आता है, मैंने किन दो पॉइंट्स पे निकाला है, मैंने यहां पे चेक किया, मैंने बोला सर आपने यहां पे चेक क्यों किया, 0 से 1 तक, 0 से 2 तक भी तो कर सकते थे, 0 से 3 तक भी कर सकते थे, और कर सकते हैं ना, वैल्यू क्या आएगा सेम, क्यों, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट, ओह स्लोप क्या है, क्यों है कांस्टेंट, वो स्ट्रेट लाइन है भाई, बढ़ने का हिसाब किताब से चेक करते हैं, मैंने बोला सब चेक करते थे, बस ये चीज सीख गए मुझे फिर इजी हो जाएगा, 5 मिनट नहीं, मुझे पूछा गया इसका स्लोप निकालो, इस ग्राफ का क्या निकालो, मैंने बोला स्लोप निकालो, स्लोप आपको पूछा मैंने, मैंने बोला डेल्टा एक्स
मतलब चेंज इन दिस क्वांटिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जब चेंज आ जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज दिखा रहा है। आई बात समझ, मैंने बोला मैं यहां से देखूं डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब यहां पे जरा देखते हैं डेल्टा एक्स कितना हुआ है, मैंने यहां से यहां तक किया, यानी मैंने एक पॉइंट को यहां कंसीडर किया दूसरे पॉइंट को, अंडरस्टैंड कर रहे हो, एक पॉइंट यहां कंसीडर किया दूसरा पॉइंट किधर कंसीडर किया। अब मैं वहीं पे चेक कर रहा हूं वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा अब इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1, 1, 1, 1, 1। मैं स्लोप इन दो पॉइंट्स के बीच में भी देख सकता हूं, यानी ये अगर बढ़ गया तो 1, 1 किस स्लोप से बढ़ गया। तो मैंने बोला ठीक है देख ले, देख जब मैं किधर से इधर गया x में कितनी चेंज आ गई, 0 से 1 की नाम समझ। इसको मैं इन जनरल लिख सकता हूं x1 y1, इसको लिख सकता हूं x2 बता क्लियर है या नहीं। अब मुझे बोला गया है बताओ x1 से x2 चला गया है ना, x में कितना वैल्यू चेंज हुआ है x1 to x2, यानी आपने बोला सर 0 से तो कितना हो गया डेल्टा x तुम्हारा 1 - 0, ऊपर वाला माइनस लोअर वाला कितना आ गया, चेंज कितनी है 1, यानी मैं सिर्फ यहां से यहां तक तो यहां से 1 तुमने बोला सर ये आ गया 1। y में कितनी चेंज आ गई है 0 to 1, दैट इज अगेन 1, स्लोप कितना आ गया, यानी स्लोप जो है वो 1। स्लोप 1 का मतलब क्या है, जैसे वो बढ़ रहा है वैसे ही बराबर रेट से वो भी बढ़ रहा है, ये नाम है समझ, यानी डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y, चेंज इन x इज एग्जैक्टली इक्वल टू चेंज इन y। आपने बोला सर रुक जाइए रुक जाइए, हम जरा आगे वाला पॉइंट देखते हैं। मैंने क्यों यहां से यहां स्लोप देखा, क्या मैं यहां से यहां तक स्लोप समझ आ रही है, बात लिखना बाद में पहले सीख, पहले सीखो इधर देखो। मैंने बोला मैं ये वाला पॉइंट लूंगा, कौन सा वाला, क्या मैं स्लोप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकाल सकता हूं, क्यों निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कांस्टेंट है, स्लोप चेंज नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में निकालूं स्लोप हमेशा क्या रहेगा, समझे यार ये सब, इसलिए जब भी मुझे कभी ग्राफ दिया होगा मैं किसी भी दो पॉइंट के बीच में स्लोप निकाल सकता हूं जैसा x डेल्टा y। इधर देखो मैंने यहां लिया, बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2, 2 निकालो इसके और इसके बीच, निकालो निकालो बताओ बताओ। आपने बोला सर x1 ये क्या है यहां पे, मैंने आप ये माना है दूसरा पॉइंट, अब मैंने बोला सर डेल्टा x में कितनी चेंज आई है 0 से 2, हां 0 से 2 तक का मतलब हो गया सर आप x2 से किधर जा रहे हो, नहीं आई बात, यही होता है डेल्टा x, यानी जो तुमने दूसरा पॉइंट कंसीडर किया वो तुम्हारा x2, जो पहला पॉइंट कंसीडर किया वो तुम्हारा x1, किसी भी दो के बीच में देखूंगा तो यही होता है चेंज इन x, कहां से कहां देखा हमने x2 से कहां तक, यानी यहां से यहां अच्छा y में कितनी चेंज आ गई, आपने बोला y2 से y1 यानी y2 - y1, बोलिए क्लियर समझ आ रही है बात, ये तुम्हारा क्या है डेल्टा y चेंज इन y चेंज इन, वेरी गुड। अब देखो जरा मुझे बताइए कितना आया, आपने बोला 2 तो यहां से भी क्या है कितना स्लोप क्या था, आपने बोला सर इसके और इसके बीच में निकाल सकते हैं इन दो पॉइंट्स के बीच, बिल्कुल निकाल सकते हो ये पॉइंट और ये देखो ऐसे को समझ आ रही है बात, इन दो पॉइंट्स के बीच अगर ये यहां से यहां पहुंच गया इसका x ये कोऑर्डिनेट होता x में, ये होता इस वाले पॉइंट का x में, y में यहां होता और यहां से क्या आप नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, यस और नो एवरीबॉडी, ये किसको समझ नहीं आया हाथ उठाओ, ये किसको समझ नहीं आया हाथ उठाओ, सिंसियरली आपको समझ आया 100%, हाँ जिसको समझ आ गया जरा हाथ उठाओ, रखो रखो इधर देखो, यानी स्लोप भी समझ आ गया, इसी स्लोप का हमने नाम दिया m, क्या दिया नाम, यानी m को मैं बोलता हूं स्लोप। M is nothing but y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Clear? Under pressure? Slope में कोई tension मत? Slope में कोई tension.
अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने भी ग्राफ प्रूफ दिखाना नहीं है, लेकिन जब तुम्हारे अच्छे क्वेश्चन होंगे ना तुम्हें बराबर पता होनी चाहिए तुम क्या करते हो। हम प्रूफ नहीं पूछेंगे किसी भी चीज का, ड्राइव नहीं पूछेंगे करने के लिए, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, ये पहले दो ढाई दिन जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पर्टिकुलरली मैथ्स। मैथ्स वाला कंसेप्चुअल है, बहुत कंसेप्चुअल है ना, और कुछ भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन जो करेंगे पहले सिखाना है तुम लोगों को, तुम्हें बहुत सारी चीजें भूल गई। तुम ट्राइंगल्स में देखोगे वो इतनी ज्यादा चीजें आ जाएगी, इतनी ज्यादा आ जाएगी, अगर तुम नोट्स प्रॉपरली नहीं बनाओगे तो उसको रिवाइज नहीं करोगे भूल जाए। तुम सीखोगे बराबर, बट यू रिक्वायर अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। इफ यू आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस, मैंने बोला साल साल पढ़ना, मैथ्स भी हो जब काउंट भी उठेगा तब डबल हो जाएगा, है ना, डबल हो जाएगा। वो जो मैंने कल काम किया था किस किस ने किया, टेबल देखे टेबल, जो मेरी बात को सीरियसली नहीं लेगा उसको बाद में पता चले, जब मैं पूछूंगा उस टाइम पे खुद तुम लोग फिर फेस करना होते, ठीक है। मैं उठाऊंगा बीच क्लास में करते रहो जो मैंने, मैंने एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, इसका कुछ लाइन का स्लोप दिया, इसका कुछ क्या दिया है, बोली मारो मुझे स्वयं नहीं दिया। अगर मुझे और क्वेश्चन अच्छा आए, मुझे बोला गया है सर एक लाइन है, देयर इज अ लाइन हैविंग एक्स इंटरसेप्ट एट ए एंड वाई इंटरसेप्ट एट बी, यानी एक लाइन है उसका y इंटरसेप्ट हो रहा है, तो कल भी नहीं आए, कल भी तुम लेट आए, आप झूठ बोलोगे नहीं नहीं सारा बात आ रहा है कोई बात नहीं, मतलब मैंने बोला आप लेट क्यों आए, मतलब यू मीन टू से यू विल कम एंड गो एट सिट एनीथिंग, व्हाई आर यू लेट, आई एम कंसर्न, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, यू कैन सिट डाउन, बता दे लाइक जो होती है, यू कैन जस्ट से दैट यू शुड नॉट बी लेट, मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाई यू आर लेट एग्जैक्टली, आई एम ओनली कंसर्नड अबाउट यू आर लेट एंड देयर आर देयर, मेरी बात सुनिएगा इधर। ये हालांकि कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई आपका यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज नहीं है, आप लोग पैसे भरते हैं वहां पे भी बच्चे पैसे भरते हैं, मैं यहाँ पे बार सिर्फ लगा भी सकता हूँ, 10 मिनट बाद जो है मैं अलाउ नहीं करूंगा, आप क्या करेंगे, मेरे पास रीजन, तो कोशिश किया करे क्या आने की जल्दी, मुझे क्या फर्क पड़ेगा तुम लेट आओ, मुझे फर्क पड़ना चाहिए, आई एम सेइंग इट, आई एम सेइंग इट फॉर यू, कल भी लेट आ गए, आज भी लेट आ गए, मसला अगर मैं लेट आ गया मैं तुम्हारे 10 मिनट पहले चलेगा, मैं अगर पढ़ा रहा होगा 10 मिनट आधा घंटा हो गया पढ़ाते हुए, तुम लेट आ जाओगे नुकसान किसका, कल को ब्लैक फेस तुम्हारे होंगे, मेरे थोड़ी होगी, ओके, ट्राई टू बी ऑन टाइम देन आई स्टार्ट, ओके, बाकी मुझे नहीं चाहिए, अल्लाह जो भी ईज आउट योर एनी प्रॉब्लम इफ देयर इज एनी, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन नोइंग व्हाई एग्जैक्टली यू आर लेट, आई सिंपली सेड यू आर लेट, आई डिड नॉट से क्या है क्या नहीं। सुनो, मैक्सिमम जो कंडीशन होती है बहाने सबके पास होते हैं, वरना अदरवाइज मैं कह रहा हूं उमरा पर ना 99.8% टाइम्स एवरी एक्सक्यूज इज अ लाइन, कितने परसेंट है, ओके, प्रॉबिलिटी कितनी कम है, बहुत कम, इजंट इट, ये चीज होता है जनरली जो लेट का बहाना होता है वो अपनी नेग्लिजेंस, इधर पॉइंट टू टाइम जेन्युइन की होती है, इधर देखो यहां पे क्या पॉइंट का पॉइंट 0.0 इरफान,
यही होता है, हो गया डिस्कस। यहाँ पे इसका स्लोप निकाल सकते हो, निकालो इसका स्लोप। लाइन कैसे पास हो रही है, बोला लाइन पास कर रही है दोनों पॉइंट से, तो मतलब ऐसी होगी लाइन, मतलब आगे भी होगी पीछे भी होगी, मुझे उसके साथ ऐसी लाइन है, अरे दो पॉइंट्स के पीछे से पास तो लाइन का ऐसी होगी। इसका स्लोप 100% नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि जब ये बढ़ रहा है ना एक्स में, वाई का वैल्यू क्या हो रहा है, चेक करते हैं, चेक करते हैं क्या नेगेटिव सच में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। स्लोप किसके बराबर है, एम, एम किसके बराबर होता है, दो पॉइंट्स के बीच में, एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइड वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस, बताइए वाई टू माइनस वाई वन क्या होगा, वाई टू किसके बराबर है, b माइनस जीरो, b माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन जीरो माइनस, स्लोप किसके बराबर है, एम इज इक्वल टू माइनस बी पर, तो माइनस जो इंडिकेट कर रहा है मींस डिग्री नेगेटिव स्लोप। क्या है, समझ आ रहा है का मतलब क्या है, नेगेटिव ऐसे बहुत बार क्वेश्चन दिए जाते हैं, तुम्हें लाइन दी जाती है बोला जाता है स्लोप निकालो किसके बराबर, तो तुम्हें एम पता होनी चाहिए किसके बराबर, अगर तुम्हें ऐसे दिया है तो तुम्हारा, कभी कभार ये हटाओ, ये हटाओ, ऐसे दिया आपको कुछ है स्लोप निकालिए इसका क्या होगा, बताइए जल्दी, स्लोप किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस 0 दैट इज x डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, y2 क्या है आपका, y1 क्या है, ठीक है, तो ये क्या आ गया तुम्हारा x2 माइनस x1, डू यू अंडरस्टैंड, x2 माइनस आपने बोला x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, आपने बोला सर m इसके बराबर आ गया, आ गया, तो आपने बोला सर y जो है इसके बराबर आ गया, इधर से देखेंगे सारे, आपने बोला सर नेगेटिव क्यों नहीं आया स्लोप, ओ भाई भाई y का वैल्यू जो है ना कितना है, और b का वैल्यू जो है क्या, b माइनस b माइनस y आ गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, सुनो भाई मैंने बोला क्या स्लोप यहाँ नेगेटिव दिख रहा है, ये वैल्यू नहीं आ रहा है एब्सोल्युटली, और तुम ये देख सकते हो y का वैल्यू जो है वो कम है, b का वैल्यू जो है वो ज्यादा है, अकल की बात है, y माइनस b हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो स्लोप नेगेटिव है ही, लेकिन मुझे वो नहीं देखना है, मैंने एक जनरल केस जहां पे मैंने अपना x2 y2 कितना माना, क्योंकि ये इंक्रीज इन x है इसलिए इसको x2 मानते हैं, और ये तुम्हारे तुम्हारा x1, बताइए क्लियर है, इसके बीच में से एक जनरल लाइन पास की एंड आई सेड दैट कोऑर्डिनेट जो x2 y2 है वो क्या है, अब मैं कॉमन फॉर्म निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, किससे, इसी स्लोप से, इसी स्लोप से क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक फॉर्म निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने बोला सर हमारा जो रिजल्ट आ गया वो ऐसा आ गया, m किसके बराबर डिवाइडेड बाय x, अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ये बन गया y माइनस b इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx प्लस b, आई बात y किसके बराबर आया,
another form of linear equations. अब मसला है बी क्या है? सर बी वो पॉइंट है जहां पे इसने वाई एक्सिस को काटा, जरा चेक करो, इसीलिए मैंने यहां पे पॉइंट किया था। बी वो पॉइंट है जहां पे इसने किसको काटा, तो इंटरसेप्ट हुआ ना? नहीं आई बात। बी वो पॉइंट है जहां पे इसने वाई एक्सिस को काटा, तो कौन सा इंटरसेप्ट हुआ? वाई इंटरसेप्ट, यानी ये पॉइंट है वाई इंटरसेप्ट। इसीलिए तुम बहुत जगह पे देखते हो वाई इंटरसेप्ट को कभी कभार कैसे लिखा जाता है, सी से। So you write it as, it is again an equation of linear equations, okay, in form of a linear equation, which is called as slope intercept. Kya bolte hai isko? Kya bolte hai? Slope intercept. Clear ho gaya? Where M kya hai? कोई confusion इसमें? नहीं, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये सी क्या होगा? वाई इंटरसेप्ट। आप यहां से चेक भी कर सकते हो, देखो वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, जब एक्स क्या होता है, जीरो है ना, तभी तो काटेगा ना वाई को। अरे जब एक्स जीरो होता है, वाई देखो कहां पे काटा है, यहां पे, और यहां पे काटा है वाई एक्सिस को, एक्स का वैल्यू वहां पे क्या है, यानी एक्स का वैल्यू क्या होता है वाई इंटरसेप्ट के वक्त, जीरो होता है। इधर फुट करके देखो, जीरो, x का वैल्यू जीरो डाल दो यहां पे, यहां से जीरो कितना आया, यानी सी क्या है तुम्हारा, इसलिए मैंने लिखा इंटरसेप्ट। पता क्लियर है? यानी ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ठीक है? ठीक है जनाब, आप चले। किस चीज से हम बहुत चीजें डायरेक्टली देख सकते, जैसे मैंने लिखा आपको, जैसे मैंने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दिया था, स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, स्लोप कर सकते हो। जैसे कोई भी इक्वेशन लीजिए, आपने लिखा था 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू, ये कौन सा फॉर्म है, इसको किस में ले गया, कैसे ले गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहता है y को अलग कर, क्या करो y इज इक्वल टू, जनरली हम y लेते हैं जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इज इट क्लियर, जनरली क्या लेते हैं हम y लेते हैं जो आपका क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि ये तो है ही लीनियर। अरे सुन लो मेरी बात, मैं तो यहां से जरा बताइए, ये 4y ऐसे ही आ गया, यहां किधर चला जाएगा, इज इक्वल टू, इसको मैंने किधर लिया, ये बन गया माइनस 3x, बन गया माइनस 3x, बन गया माइनस 3x, और क्या आ जाएगा, तीन आंसर समझो। अब देखो y किसके बराबर होगा, माइनस 3, इसको भी 4 से डिवाइड किया और इसको भी क्या किया, बोलो क्लियर है या नहीं, यानी इसका मतलब ये जो इक्वेशन है उसका जो स्लोप होगा वो गिरने वाला होगा, और कार्ड कहां पे रहा, नहीं आई बात, मतलब ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, दिमाग दिमाग वाई इंटरसेप्ट है, ये एक्स है, ये क्या है वाई, इसका मतलब क्या होता है वाई इंटरसेप्ट, वाई को किधर काट रहा है, नेगेटिव, यानी ये काट रहा होगा कहीं यहां, माइनस फाइव बाई फोर कितना होता है 1.25, माइनस 1.25 तो काट रहा होगा इसलिए यहां, अरे है ना भालो, ये अगर मान है, ये अगर मान है तो ये कहीं यहाँ पे काट, उसके बाद क्या कह रहा है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप, यानी अब मैं बराबर नहीं बनाऊंगा, यानी चेंज इन एक्स तो मान सकते हो जब चार होगा, तो चेंज इन वाई कितना होगा, तीन होगा, है ना, यानी ग्राफ समझ आ रहा है, स्लोप कितना मतलब नेगेटिव स्लोप है ना, गिर रहा होगा, यानी जितना तुम्हारा x बढ़ रहा होगा y क्या कर रहा होगा, एक ही तरीका है इसको बनाने का, ये कुछ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, समझ आई बात, ऐसे भी हो सकता है, गिर रहे सारे ग्राफ्स लेकिन किस स्लोप से गिर रहा है, बताओ क्लियर हुआ या नहीं, यानी सिर्फ आपको y इंटरसेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है और नेगेटिव स्लोप जानना जरूरी नहीं है, आपको बराबर पता होना चाहिए स्लोप जो है नेगेटिव है लेकिन कितना है, नहीं आई बात समझ,
इस पॉइंट से तो पास होगा ही होगा, लेकिन किस तरीके से होगा, किस स्लोप से होगा? -3/4। वो जब हम प्लॉट करेंगे आप आराम से देख सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूँ। देखो ये होता है तुम्हारा डेल्टा एक्स, ये होता है तुम्हारा ठीक है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, जब एक्स में 4 की चेंज आ गई तो वाई में जो है, वाई में कितने की चेंज आ रही है, वाई में 3 की चेंज आ रही है। यानी जब x में 4 की चेंज आ रही है, y में कितने की चेंज आ रही है? अब ये हो गया पॉजिटिव साइड वाला, नहीं आई बात पता। अगर मैंने ऐसे लाइन बना दी, इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप होगा 3/4। यानी जब x में 4 की चेंज, पता क्लियर हुआ है इसमें। अब अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो ये नीचे से आ रहा, नहीं आई बात। यानी ये कैसे आ जाता तुम्हारा, जब x में 4 की चेंज, पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ। यानी पॉइंट कहाँ आएगा? मैं बराबर नहीं यहाँ पे बना रहा हूँ, बराबर की बात नहीं है। आपको पूछा गया होगा ऐसे वाले केस में, बोलो ग्राफ किस क्वाड्रेंट से पास हो रहा है? वो अकल की बात है, किस क्वाड्रेंट से पास हो रहा है? सर वो तुम्हारे 3 क्वाड्रेंट से होगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? नेगेटिव स्लोप समझ आ, ग्राफ समझ आ गया? चलो हाँ या ना बोलो पहले यार, ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं हो गया अभी? तुम्हें समझ आ रहा है? कल परेशानी थी, आज नहीं है। एक सवाल जनरल दे रहा हूं, मैं बीच में ही डाल रहा हूं ठीक है, जो भी मैं पढ़ा उसमें से ठीक है। देखो द पेयर ऑफ इक्वेशंस x is equivalent to a and y is equivalent to b are these linear equations? Of course yes. Graphically represents lines which are number a parallel intersecting at b comma 0, pehla wala option parallel. Third, coinciding, and last will be intersecting at A comma B. Intersect किसको बोलते हैं? क्या आएगा? परेशान हो गई, खतरनाक आ गया आसमानी को। वेरी गुड, देखो इसमें क्या क्या आ गया आंसर, यही आ गया आंसर। क्या आ गया आंसर? ये नहीं यार, कुछ उस लेना आंग्री इसमें पाचो तुझे बीजल जैसा। ये क्या कह रहा है और क्या कह रहा है? पेयर ऑफ इक्वेशन, आपसी इक्वेशन, व्यापसी इक्वेशन, इसको प्लॉट कर दो ना यार। क्या करते हो? एक्स इज इक्वल टू ए कैसा बनेगा? एक्स इज इक्वल टू ए कैसी लाइन बनी? पहले तो कितनी डिस्टेंस, वाई इज इक्वल टू बी कैसी बनी? कितनी डिस्टेंस पे काटेगी? कहां पे? ए कॉमा बी पे आंसर। यस सर, कर दिया। क्या बनो था? क्यों बना हमारे छोड़
रिश्ता बनो में रोज रात मशहूर सर इतनी है ना क्या बोली एक्स इज इक्वल टू ए क्या सी होगी यार कैसा ग्राफ होगा एक्स इज इक्वल टू कैसा होगा क्या सर कल दी थी क्लास होगा एक्स इज इक्वल टू ए कैसा होगा पहले तो अभी बताया अभी पढ़ा ना मैंने एक्स इज इक्वल टू ए कैसा होगा क्यों एक्स का वैल्यू कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट क्या होगा मेरा सर मैंने यहाँ से एक्सपोनेंट अभी पढ़ा है अभी तब निकाल कर नहीं एल डी ठीक है बोलो भाई कैसे आएंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस कितनी डिस्टेंस पे मान लो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ पे ये ऐसी बनी ऐसी बनी बनेगी ऐसी दूसरी इक्वेशन क्या है y इक्वल टू b हां अब जो बोलोगे y इक्वल टू b ऐसे बनी कितनी डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस b यानी यहां से यहां तक कितना है काट कहां पे रही है दो लाइन बोलो यहां पे एक आठ तो ये लाइन ये हो गई यहां पे बोलो यहां पे जो काट रही है इसके कोऑर्डिनेट क्या होगी एक्स में कितना है समझे किसको समझ नहीं आया आप और हाथ जिसको समझ नहीं आया सार दिया ओके तो ये मैंने अभी क्या बताया था इससे पहले मैंने क्या बताया आपको स्लोप इंटरसेप्ट बताया मैंने स्लोप इंटरसेप्ट अभी नहीं अभी अभी हम सारे एक साथ लेंगे अब एक और फॉर्म आ रहा है बिल्कुल एक ही जैसा बस लिखने का तरीका अलग इसीलिए जब भी तुम्हें किसी भी फॉर्म में आए तुम्हें पता होनी चाहिए कौन फॉर्म क्या मान लो मैंने ऐसी लाइन लिख ली ठीक है मैंने लाइन लिख ली मैंने बोला ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है तुम्हारा फिर से मैंने लाइन लिख ऐसे ठीक है अब मैं इससे पहले मैंने पॉइंट कहां रखा था इससे पहले मैंने पॉइंट कहां रखा y एक्सिस पे बराबर क्योंकि मुझे इंटरसेप्ट दिखाना है ये नाम समझ अब अगर मैं जनरल में कोई भी पॉइंट ले लूं ऐसा समझ लो y1 के नाम से अगर मैं जनरल में कोई भी पॉइंट ले लूं क्या मैं ले सकता हूं बिल्कुल ले सकता हूं ठीक है तो लिख लीजिए मान लीजिए मैंने एक पॉइंट यहां पे लिया इसका नाम x1 y1 और यहां पे मैंने दूसरा पॉइंट लिया x2 y2 मैंने x, y क्या लिखा फॉर्म x2 y2 भी है देखिए मैंने क्या लिखा x कामा इसका स्लोप किसके बराबर m will be अभी इंटरसेप्ट नहीं है अभी इंटरसेप्ट वाला पॉइंट मैंने नहीं लिया ये दो पॉइंट आपने बोला सर ये आ जाएगा x - x1 y - y1 cross y - y1 मैं आज मुझे पता नहीं क्या हो गया y पता नहीं मुझे ऊपर क्यों लिख रहा हूं ठीक नीचे जो होता है वो हमेशा होता है आपका इंडिपेंडेंट जो चेंज होती है वो दिखती है ऊपर ठीक है इसे क्लियर है आधुनिक जैसे इस बच्चे ने कल बोला है dx by dt बोला था वो d पता है कहां से आता है वो डेल्टा से d जो आता है एंड दैट इज यूज्ड फॉर नॉन लीनियर स्ट्रेस जो मैंने टेंजेंट बनाया हम उसमें लिमिट लेंगे इस डेल्टा x को छोटा 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 गोली मार क्या आ गया y माइनस y1 किसके बराबर ये भी तो इक्वेशन है y कौन सा पॉइंट दूसरा वाला y2 ये तुम्हारा पहला पॉइंट x को रिप्रेजेंट किया मैंने x x2 से और ये तुम्हारा पहला वाला जो याद है ये अगेन एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप
क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऐसे भी दी जाती है। ठीक है कितने फॉर्म होंगे, तीन फॉर्म लिखने, हाँ लास्ट फॉर्म, लास्ट इसको हम बोलते हैं तीन सेट, क्या बोलते हैं वो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, ये सारे एक ही है, अलग अलग कोई नहीं है, एक को मॉडिफाई किया सारे निकल जाएंगे, डू यू अंडरस्टैंड, बस ये तरीका लिखने मेंशन करने, तो जब भी तुम्हें एग्जाम में आ जाएगा मैं समराइज करके दूंगा फिर एक साथ क्या मैंने दिखाया क्या मैंने पढ़ाया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। y - y1 = x - इसकी इंपॉर्टेंस क्या सब पता चल गया, पहले सिर्फ फॉर्म दे आई बात है, हमें बीच में वहां से कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं बीच में आपका स्लोप दिया जाए, बीच में आपको कोऑर्डिनेट्स दिए जाए, ठीक है आपको बोला जाएगा इक्वेशन निकालो, कभी कभार ये ज्यादा अच्छी रहेगी कभी कभार वो ज्यादा अच्छी रहेगी, कभी कभार आपको जो है आपको कोएफिशिएंट्स दिए जाएंगे ए बी, तब आप स्टैंडर्ड फॉर्म से निकाल दीजिए, नहीं आई बात, स्लोप दिया हुआ है तो स्लोप से निकालिए, सी इंटरसेप्ट दिया है तो उसी से निकालिए, y = mx + c because you can derive the linear equation if the points are known to you, I will show you that, right? है क्या क्या हुआ देखो भाई, अब ये इक्वेशन तो जनरल है, यानी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ये मैंने पॉइंट यहां पे बनाया भाई, ये पॉइंट यहां पे भी रख सकता है, मुझे पता है यहां पे एक आपने 0 कॉमा b लिखा था ये इधर, लेकिन है तो वो भी पॉइंट नहीं आई बात, दिस मीन दिस इज अ जनरल इक्वेशन, चाहे अगर मैं किसी चीज को ऐसे यहां पे पॉइंट क्या था मैंने बोला सपोज ये b के पास किसको काटता है b पॉइंट पे काटता है, बोलो से कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 y तो वेरी गुड यही होंगे सारे पता है यही होंगे, अब जरा इसमें सब मैंने बोला देखो y - y1 b y - y1 क्या है b उसके बाद किस इक्वल है यही करोगे ना हां उसके बाद ठीक है y minus b is equal to y2 minus y1 y2 क्या है तुम्हारा y हाँ minus y1 that is b अच्छा कि ना आपने बोला y minus b ये क्या ये क्या y2 क्या है ये क्या है तो आपको क्या लग रहा है आप वापस वहीं नहीं जा रहे derive करने का तरीका दिखा अब एक काम करो इस equation को क्या माना आपने अभी रुक जाओ इसको मेन इक्वेशन माना कौन सा फॉर्म बोला मैंने आपने ये वाला तो जनरलाइज कर दिया आप क्या चाहते हो आप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालना चाहते हो क्या निकालना चाहते हो यानी मैं चाहता हूं पूरा सुनना जैसे इससे मैंने पहले क्या निकाला था मैंने निकाला था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी स्लोप जो है कहां पे वही इंटरसेप्ट को काटता था अभी मैं इंटरसेप्ट फॉर्म निकालना चाहता हूं मैं देखना चाहता हूं जो लाइन है वो x को भी कहां काटेगी यानी मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन में दोनों इंटरसेप्ट्स आने चाहिए तो उसके लिए मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो दूसरा पॉइंट है इसको मैं कहां मान डू यू अंडरस्टैंड यहां पे पॉइंट क्या होगा मान लो ये इसको यहां पे a पे काटता है तो ये बनेगा a माइनस 0 अब एक काम करो इस इक्वेशन में यही जरा पुट कीजिए m की जगह आपने बोला सर ये बन गया y दूसरा पॉइंट रुक जाओ मैं y में ही रखूंगा x और y को मैं चेंज नहीं करूंगा मैंने लिखा y माइनस y1 कितना है आपका y1 कितना है आपका
ठीक है इज इक्वल एम एम क्या होता है वाई टू माइनस वाई वन तो दिस विल बी वाई टू ए माइनस जीरो दैट इज ए डिवाइडेड बाई हाँ जी ए एक्स टू राइट y two minus y one that is y y is zero minus b that will be minus b divided by x two minus one that will be a minus zero ये आ गया multiply यहाँ से क्या आ जाएगा x minus x one कितना है zero यहाँ से आप question आते हैं y is equal to minus b by a into x कहाँ पे y minus b अब ठीक है absolute y minus y one बन ठीक है और भी equation मान लीजिए देखो क्या मांग लिया इधर देखो यहाँ दिखाओ आपको ये याद नहीं रखना है मैं procedure जानबूझ के दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले करना क्या इधर देख ये क्या बन गया y minus b y minus समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है y minus b is equivalent minus b by slope कैसा है negative उसके बाद into x ये बचा ये बन गया y is equal to minus b by a x plus a क्या निकलेगा LCM अगर तुमने a को LCM निकाला यहाँ क्या आएगा minus b x plus a divided by अब ये a इधर जाएगा नहीं आई बात समझ ये बन गया a y is equal to minus b x plus a ये बचा ay plus bx is equal to ab dividing both sides by a यानी ay को भी आप ab से कीजिए bx को भी ab से कीजिए डिवाइड और यहां से ab को भी किसे कीजिए यहां a और a कट गया यहां तुम्हारा b और b कट गया यहां a और a कट गया यानी ये बन गया तुम्हारा पहले x वाली लिखते हैं x by a क्या किया मैंने कुछ स्पेशल किया ना सारी इक्वेशन एक में से ही दूसरी निकालो लेकिन हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस देखो कैसे इधर से देखो नहीं बना सकते एक क्वेश्चन यहां तक कोई कंफ्यूजन मैंने क्या किया था यहां पे कोई भी दो कॉमन पॉइंट्स लिए x और y आर्बिट्री पॉइंट ले लिया और मैंने जो पहला वाला लिया y1 और x1 एनी प्रॉब्लम इसी चीज में मैंने क्या किया उसके बाद मैंने बोला अभी मैंने चेंज नहीं किया वही चीज तुमने एग्जैक्टली नहीं सुनी समझो मैं आपके से बताऊं दिमाग यहां की तरफ यहां तक क्लियर है ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है सब्स्टिट्यूट किया हो जब दिमाग यहां नहीं रखते हो तो मैं लगता है पता नहीं क्या हो y माइनस मकान को y की कोड बना रहा यू स्विच स्विच ना आसा इट्स सेट के ना आसा जब से पाया आसा और तब क्यों मुझे कोड बना मगर जो सुख गया जो पति अचानक उसकी मकाना बनो क्योंकि वजह काम मेरा अगला से घूम The thing is that skip in the process, you will exactly know what I am doing. Y minus m into x minus. What was this y? Any point. जो दूसरा point मैंने लिया था arbitrarily मैंने उसको क्या माना? यानी y two को मैंने y in general मैंने y variable मैंने उधर ही रखा. मैंने substitute भी नहीं क्योंकि हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते थे जैसे y2 का वैल्यू मैं लेता था कुछ यहां पे मैंने y2 नहीं लिखा मैंने लिखा इन जनरल यानी कोई भी वैल्यू ये कंटेन कर सकता है दिस इज जस्ट लाइक y2 एंड दिस इज जस्ट लाइक x2 डू यू अंडरस्टैंड यानी कोई भी वैल्यू इसमें आप डाल सकते थे जो भी बिटवीन द टू पॉइंट्स आपको दे तो ये आपकी एक इक्वेशन है मैंने लेकिन बोला अब मैं चाहता हूं इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना क्या बनाना चाहता हूं इंटरसेप्ट फॉर्म किसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म होता है जहां पे मुझे ये भी दिखे x में इंटरसेप्ट क्या है y पे मैंने क्या किया मैंने बोला इससे बेहतर है ना मैं दो पॉइंट्स यहां और यहां ले
आप देखिए दो पॉइंट्स यहाँ और यहाँ है, मेरी लाइन ऐसे नहीं आ सकती। अगर मेरी लाइन ऐसे आएगी ये यहाँ पे एक काटेगा, ये माइनस एक पे काटेगा, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इसीलिए ऐसे ही बनानी पड़ेगी लाइन, ठीक है। इधर एक पॉइंट मैंने यहाँ बोला और दूसरा पॉइंट मैंने, क्या इक्वेशन आप लाइन नहीं बनेगी? मैंने बोला बिल्कुल बन जाएगी। कैसे बनेगी? मैंने बोला इन जनरल मुझे वेरिएबल चेंज नहीं है, वेरिएबल मैंने तभी क्या रखा, डू यू अंडरस्टैंड, यानी इन जनरल लिखो y, it can contain any value, minus y1, what is y1, b, do you understand, is equivalent to slope is y2 minus y1 divided by x2 minus x1, कोई चीज मैंने लिखा जो किसके बराबर आ गई, into x minus x1, do you understand, यानी जो भी पॉइंट तुम्हारा है वेरिएबल को चेंज नहीं किया, x माइनस व्हाट इज x, तुमने बोला x तो x ही है, और x माइनस x1, x1 कितना है, तुमने बोला 0, हो गया खत्म। यहां से एक और फॉर्म आ गया, अब ये देखो ये फॉर्म कितना स्पेशल है, x तुम्हारा x वेरिएबल, a रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा x इंटरसेप्ट, नहीं आई बात हो, y तुम्हारा दूसरा वेरिएबल, b रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट। अब अगर तुमने कभी भी तुम्हारा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया हो तो इक्वेशन ऐसे निकाल सकते, नहीं आई बात से, अगर तुम्हारा x और y इंटरसेप्ट दिया हो तुम आराम से इक्वेशन निकाल सकते हो। जैसे तुम्हें दिया है लाइन पासिस इसका मतलब हो गया ये जो है ये तुम्हारा क्या होगा y इंटरसेप्ट, ये तुम्हारा क्या होगा, नहीं आई बात समझ, तुमने बोला इक्वेशन ऑफ लाइन बना लिए, देखो x डिवाइडेड 6 x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट क्या होता है 6 प्लस y डिवाइडेड बाय y इंटरसेप्ट क्या है 5 इसके बराबर होता है 1। सवाल खत्म हो गया। तुमने बोला सर इसका एलसीएम निकाले, एलसीएम कितना होता है 30, कौन में सिखाऊं, ऐसे नहीं एलसीएम, एलसीएम में बड़े बराबर ये 30 होगा, कितना होगा 30 होगा, ये तुम्हारा बन गया 5x plus 6y is equal to 30, your answer। किस फॉर्म में लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी अगर तुम्हें अब तुम्हें पूछा जाए यहां से इंटरसेप्ट दिए थे, ए भी पूछा जाए, बी भी पूछा जाए, सी भी पूछा जाए, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल अगर मुझे पूछा गया सर जरा किसी काम में क्या बनाएंगे आप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो हम क्या करेंगे y को अलग निकालेंगे, इक्वेशन तो यही है, तुमने बोला सर 6y किसके बराबर होगा 30 माइनस यही था, y किसके बराबर होगा 6 से पूरे को डिवाइड, तो ये बन गया 6, इसको अच्छे से लाओ पहले 5x वाली टर्म, ये भी इसको भी डिवाइड होता है और इसको भी होगा, बोलो क्लियर हुआ या नहीं। अब देखो ये कौन सा फॉर्म आ गया, स्लोप किसके बराबर -5 समझ लो ये तीन आंसर, जब x में 6 चेंज आती है तब y में कितनी चेंज आती है, उसमें इससे भी ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, हां यस और नो, मैं एक ही चीज को बार बार बोल रहा हूं, इसके आगे नहीं पढ़ाऊंगा, पहले दिमाग रख, रिफ्रेश करो, क्या लिखा मैंने, अगर मैंने यहां पे बंद कर दिया तुम्हें बोलना तो जो मैंने अभी तक पढ़ाया वो जाया, क्योंकि तुम जो तुमने यस बोला ना ये सबसे बड़ी नेगेटिव, यानी इसका मतलब है तुमने बहुत पहले हार मान ली, मैंने क्या पढ़ाया
स्लोप का वैल्यू कितना? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? y इंटरसेप्ट, यानी जब x जीरो है y कितना होता है, यानी स्लोप इंटरसेप्ट। सिर्फ हमें y इंटरसेप्ट के बारे में बोलता हूँ, स्लोप के बारे में आप देखिए वही था ना हमारा y इंटरसेप्ट। हां डू यू अंडरस्टैंड ना? यानी कितने फॉर्म लिखा है तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हो गया तुम्हारा कौन सा वाला फॉर्म। डू यू अंडरस्टैंड ना? तुम इसको लिख सकते हो पॉइंट स्लोप फॉर्म में भी, बिल्कुल लिख सकते हो पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या कहता था? y माइनस y1 y माइनस मेरा सर y माइनस y1 y बात क्या सर x जो पॉइंट छूता ही नहीं, नहीं वो कहां सा पॉइंट है और y1 क्या है यहां पे 5 is equal to m, m का चेंज होगा, m तो यही होगा ना, इन आर्थ का चेंज है, इन आर्थ फार्मूला होगा जो अलग से बहुत मजा से अलग लिखने के तरीके अलग अलग है इक्वेशन से into x माइनस x1, x1 क्या है जीरो। देखो यहां से तो इट इज y माइनस 5 is equal to minus 5 6 into x, यहां आपने लिखा है। This is another form of representing. अगर इसको भी तुम सॉल्व करोगे ये वापस क्या इक्वेशन बनेगी? बोलो क्लियर हुआ है? 100%। चलो अब हम समराइज करते हैं। कितने फॉर्म पढ़े तुम? डिराइव नहीं करना, लेकिन पता तो चल गई दो पॉइंट्स को कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। कांस्टेंट लाइन का अगर स्लोप होगा तो कितने, सॉरी कांस्टेंट लाइन अगर होगी तो स्लोप क्या होता है? जीरो। वो किसमें होगा हमेशा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्यूशंस कितने होंगे? फाइनाइट। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है सॉल्यूशन कितने होंगे? वन सॉल्यूशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्लोप क्या होता है? स्लोप यूनिफॉर्म कांस्टेंट। एक हो गया स्लोप जीरो, दूसरा हो गया स्लोप कांस्टेंट। What is the difference? अरे slope zero होगा कुछ भी नहीं है, flat। Constant मतलब क्या हो गया? Uniformly या तो बढ़ रहा है। तो ये कैसे? Because slope is nothing but rate of change। Height नहीं है, बढ़ रहा है। ये constant का फिर से slope मतलब वो घटाव या बढ़ाव। लेकिन क्या उसका rate? That will always be constant जो हमने देखा। तो ये कैसे? इसका खास ख्याल रखें, इससे confuse किया जाए। स्लोप कांस्टेंट हमेशा एक लीनियर ग्राफ में होगा अगर वो आपकी इंक्लाइंड लाइन। अच्छा उसके बाद मैंने क्या बोला? मैंने आपको बोला किसी भी दो पॉइंट को अगर मैं लूं आपके एक लाइन के, इसका स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट, सेम स्लोप। तो किसी भी दो पॉइंट्स को आप ले सकते हो एक ग्राफ। बताया नहीं बताया सर? क्या हो गया ना मुझे? यस सर। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैंने एक और चीज, मैंने बोला बताओ मुझे पहला वाला फॉर्म क्या था स्कैंडर्ड। सारे एक साथ मुझे लग ना चाहिए तुम लोगों ने पढ़ा। ए और बी क्या होने चाहिए? क्या ए जीरो हो सकता है? बी हो सकता है? ठीक है, सी क्या है? आगे चलते बताइए। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे पहुंचने से पहले मैंने आपको बोला एक्स इंटरसेप्ट के बारे में और वाई इंटरसेप्ट के बारे में। एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? जब तुम्हारा वाई किसके बराबर, यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये क्या होगा? जब तुम्हारा एक्स किसके बराबर, बताओ क्या है यानी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगी? मान लीजिए अगर तुम्हारा ये किस पे काट रहा है, अगर ये तुम्हारा x को काट रहा है b पे, अगर तुम्हारा x को काट रहा है तो ये आ जाता तुम्हारा 0 का b का मान 0, और अगर ये तुम्हारा क्या काट रहा है, अगर ये तुम्हारा a पे, या इसको मैं a मानता हूं इसको मैं b मानता हूं, तो ये बनेगा 0 का मान। ये सबको पता है? पढ़ाया मैंने? हां या ना बोलो। हां आगे चलो। उसके बाद मैं पहुंचा स्लोप पे। पहले मैंने पढ़ाया स्लोप क्या होता है। स्लोप क्या होता है यूनिफॉर्मली बोलो? स्लोप क्या होता है? m delta y by delta x, change in x produces what change in y? जितनी रेट ज्यादा या
जितनी रेट ज्यादा स्लोप उतना ही। अब रेट का मतलब ये नहीं है सिर्फ बढ़ रहा होगा, दैट मींस बढ़ने की रेट या वहां से तुम्हारा एम जो है या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जितना एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आगे बढ़ रहा है उतना तुम्हारा लाइन जो है उसका जो वैल्यूज है वो घट रहेगा। ठीक है, यहां से मैंने क्या बोला ये किसके बराबर होगा फिर y2 - y1 / अब मुझे बताइए ये y2 क्या है y1 क्या है, ये तुम्हारे लाइन में कोई भी दो पॉइंट्स है जिनके क्वाड्रेंट्स। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? तो मैं पहले वही चेक करता हूं y2 में कितना था y1 में कितना दो जाते हैं ऐसे x2 कितना था x1 कितना था एनी टू पॉइंट्स यू कैन टेक एंड यू कैन गेट द स्लोप। क्लियर, इसके बाद मैंने यहीं से तुम्हें डिराइव करके दिया क्या दिया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने किससे डिराइव किया इसी से डिराइव किया m से डिराइव किया लेकिन सिर्फ एक ही चीज फर्क रखी एक पॉइंट को मैंने कहां पे रखा यहां पे रखा क्योंकि इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इंटरसेप्ट की बात होती है किसकी होती है अगर y इंटरसेप्ट तुम्हें दिया है और स्लोप तुम्हें पता है तुम आराम से इक्वेशन ऑफ लाइन उसी से निकालोगे तब तुम इंटरसेप्ट फॉर्म में क्यों जाओगे तब तुम ए बी वाले फॉर्म में क्यों जाओगे निकलेगी हर किसी से इक्वेशन सो यू हैव टू चूज व्हिच इक्वेशन। इस यहां पे मैंने बोला सपोज इट क्या काटेगी किस लाइन पे काटेगी 0 कॉमा यानी y इंटरसेप्ट यहां पे क्या है बी। दूसरा पॉइंट मैंने यहां पे मान लिया एनी आर्बिट्री पॉइंट x बोलो क्लियर है या नहीं समझे या नहीं समझे यहां पे मैंने किस में सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन m इज इक्वल टू दिस जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे y2 यहां पे क्या है y1 y1 यहां पे क्या है b ये बन गया y माइनस b x2 x2 यहां पे क्या है x x1 यहां पे क्या है 0 बन गया x बन गया y माइनस b इज इक्वल टू mx y इज इक्वल टू mx प्लस b व्हाट इज b हियर b इज द पॉइंट वेयर दिस लाइन कट्स एट x y एक्सिस दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज y इंटरसेप्ट उसको जनरली c से भी रिप्रेजेंट किया जाता है वहीं से तुम्हारी क्या बन गई y इज इक्वल टू mx प्लस c बताओ क्लियर है where m is the slope of the equation c is the y intercept c क्या है यहां पे मैंने बोला अगर x का वैल्यू 0 डालोगे तुम्हें यहां से भी दिखेगा y किसके बराबर यानी जब x का वैल्यू 0 है y का वैल्यू c है यानी ओरिजिन पे y का वैल्यू क्या है c हां काम करो तो भी गए हो ना काम काम करो थोड़ा ये जल्दी करो चलो चलो आगे चलो भाई। उसके बाद मैंने क्या फॉर्म बोला पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म कहां से निकाला मैंने यहीं से मैंने बोला उसमें मैं दोनों एनी टू पॉइंट्स लूंगा एक जो पॉइंट है उसको मैं क्या रखता हूं उसको मैं मतलब यहां एनी टू पॉइंट्स बिटवीन द लाइन। अब लाइन जरूरी ऐसे नहीं है आप ऐसे भी ले सकते मैं बस बोल रहा हूं एक पॉइंट को मैंने यहां माना दूसरे पॉइंट को कहीं पे भी मान लिया एक को मैंने सिर्फ एक्स कॉमा वाई जो मैंने वेरिएबल्स रखे हुए और दूसरा वाला मैंने लिखा है एक पॉइंट को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं एज x1 एट यानी x2 और y2 को मैंने जनरल रखा है x1 यहां से मेरी क्या फॉर्म आ गई जब मैंने किस में सब्स्टिट्यूट किया m is equal to y2 - y1 by do you understand यहां से क्या आ गया मेरा y - y1 is equal to m into x - कौन सा फॉर्म आ गया पॉइंट स्लोप क्या आ गया इसके बाद मैंने एक और फॉर्म लिया जिसको तुम बोलते हो इंटरसेप्ट क्या बोलते इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है कहां से निकला मैंने बोला सर y को मैं कोई चेंज नहीं करूंगा लेकिन दूसरा पॉइंट मैं इधर मान दूसरा पॉइंट इधर मानने का मतलब हो गया a कॉमा 0 मैंने माना यानी इंटरसेप्ट कहां पे हो रहा है a पे हो रहा है पीछे आओ दो ठीक है क्या मैंने बोला a कॉमा 0 कहां पे काट रहा है मुजम्मिल x कहां पे काट रहा है मैंने क्या लिया इसको डिराइव करने के लिए क्या लिया था मैंने a पे काट रहा था अगर a पे काट रहा था इसका मतलब है x में इंटरसेप्ट जो है a पे है दिस मींस a कॉमा 0 y पे कहां पे लिया मैंने b पे यानी दोनों एक्सक्रीमेंट्स अब दोनों इंटरसेप्ट्स की बात करूंगा वहां से मुझे क्या निकला इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सिर्फ ym को सब्स्टिट्यूट किया y1 और x1 को सब्स्टिट्यूट किया यू गॉट एन x / a प्लस इज इक्वल टू या अगर x है a रिप्रेजेंट्स द x इंटरसेप्ट या अगर y है b रिप्रेजेंट्स द y इंटरसेप्ट और क्या बोलूं मैं आई बात समझ के नहीं गॉट इट ओके ये भी क्लियर हो गया सब क्लियर हो गया।
क्वेश्चन नहीं कर रही क्वेश्चन नहीं कर या मतलब आप सब नहीं बचे नहीं वो टीचर का है तो वो मुझे ना सुन ले वैसे अब बाहर प्रॉब्लम ले एम इस वर्ड का सुन में दो मत ऐसे क्या जब वो सुन पाना दावा मत ना हो वरना टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज लाइक एंड देन लिटरली मुझे एक बार टीचर ने मुझे शर्म आती थी जब मैं क्लास में आता था मैं कुछ नहीं पाता पर्टिकुलरली ये हो जाता था मुझे मैं बायोलॉजी पढ़ने गया था एक बार जब ना स्टार्ट में मैंने पकड़ा था ट्वेल्थ मैं सुन सुन तक तीतरे में रोते हुए मतलब ये लाके बड़ा अच्छी चीज है वो बस फिल आए थे इसलिए सो ससा सुबह से मैं घूमो थोड़ पैंट लगे घुसा मैं आता था तो ये तो 10 साल से सोच ऐसा है कि सोच तो एक्टिव का तो रूम लग ये रूम का तो सोच लगा माइक के वॉइस ऊपर से वो लगता थे सारे लगते थे एक्टिव फंड का टाइम क्योंकि जब कोचिंग स्टार्ट होती है तो फंड होती है ना मैं बोल ना पा बुधवार पैर में अंदर की रात तो कोई शौक जब मैं आता था मैं वो दो एक साथ फंडा गया और वो ऐसे नहीं मुझे दरवाजे पर तो क्यों सीखा शर्माता था मैं बोलता था वाह खुदा वर्ल्ड में वो एक शक्ल है इंसान से अगर शक्ल आसा चेंज जैसा के बस इसके में जरूरत उस पर है बराबर फाइन दूसरे दिन भी आ गए पता सर 5 मिनट लेट दसा आई नेवर यूज्ड टू बोल देयर वक्त वो दियो 10 15 दो गए और दो चार सुबह की मैं उधर से घूमता था कांदरन खेर है दीवार ये चाहे दीवार खेर मगर ये तो समझ पाया था सुबह मैं किधर घूमूं मैं घूमता नहीं था पंख पंख नहीं करता अगर मैं करता मेरे से सबसे बड़ी एक्टिविटी मेरी होती थी खेलना मैं क्रिकेट खेलता मैं बस स्टेडियम जाता था किट लेके 7 बजे ये बार इन माय 7th क्लास मैंने स्टार्ट किया तो यही चीज होता था या डिस्को में होता था तो हम स्विमिंग कर लेते थे तो यही होती थी हमारी एक्टिविटीज और कुछ नहीं होता तो वी वर वेरी मच इनटू दिस तो ये कॉर्नर एंड दो कांग्रेस के यार तुम क्या कर रहे हो क्या बोलते आप क्या कर रहे हैं तो बस पूछ रहे मैं यहां से आ गया था तो आप ही लेने द पांच के न्यूज मैंने उसको सीधे बोला मैंने उसको बोला पापा को अब मैं और रिपीट नहीं करूंगा मैंने उसको बोला मुझे हिसाब नहीं आ गया बायोलॉजी को बेशक मैं इंग्लिश ना कर सकता हूं आ आई तो मुझे क्या मतलब थे जिन्हें इस नाम से था ही वाज अ वेरी गुड टाइप पर्सन सो स्पोर्ट्स नाउ वन एंड तो तुम कैसे निमान होते हो कुछ पेपर देता था वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड पर्सन वो बंदा ऑर्गेनाइज पढ़ाना वढ़ाना मुझे नहीं पता है ये मानो आज पर डायलॉग ऐसे साफ टीचर दे वो है किस नफरस आई एम स्टॉप ओके दे वो है किस नफरस वो है एक फिर कैसे